प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का स्वागत है एक बार फिर YouTube चैनल लर्नर्स बोहाते। जिन्होंने हाले तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो ता जो तुहानू हर वीडियो मिलती रहे। बेटा, अज असी 10+2 का एक नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। आपां छोटियां जमातां दे विच इसनू पढ़ते आए हैं, 10वीं दे विच +1 दे विच इस बारे पढ़िया है कि प्रोबेबिलिटी असल च हुंदी की है। कुछ बेसिक गल्लां करके जो +2 सिलेबस विच गल्लां ने आपां ओह करांगे। जो बेसिक गल्लां ने ओह की ने, सब तो पहला असीं रैंडम एक्सपैरिमेंट बारे पढ़िया। रैंडम एक्सपैरिमेंट की है कि मेरे कोई डाइस है, वह सुट्टिया, मैं कोई ताश के पत्ते पत्ता बाहर कढ़वाया कार्ड्स के, वो एक एक्सपैरिमेंट। जो भी एक्सपैरिमेंट करांगे एक आउटकम बाहर आऊगी। मान लो मैं डाई सुट्टिया, जा एक आऊ या दो आऊ या तीन आऊ या चार आऊ या पांच आऊ या छे आऊ, यह सारिया की ने आउटकम्स ने। इन्हां आउटकम्स नूं जो समुचे रूप में असीं इकट्ठा करके लिख सकते हैं इस तरीके। मान लो एक डाई सुट्टे, आपां आउटकम्स नूं जिन्हां भी पॉसिबल आउटकम्स ने उन्होंने एक सैट के रूप में लिख लिया। इसनूं असीं सैंपल स्पेस कह दिंदे हां। की कह दिंदे हां? सैंपल स्पेस। हुण सैंपल स्पेस आपां बनाउणा सिख्या होया है। जिवें मान लो दो सिक्के उछाले, उन्हां दा सैंपल स्पेस की बनूगा? दोनों हैड आ सकते हैं, पहला हैड फिर टेल, या पहला टेल फिर हैड, या दोनों टेल्स आ सकती हैं। मतलब इस तरीके आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं। उस तो अगली गल आ जाती इवेंट। इवेंट किसी भी सैंपल स्पेस च मैं एक शर्त लगा दा कि आह आउटकम्स मैं चाहिए ने, वो एक इवेंट। मान ला इस जो ये आप सिक्का उछाल सॉरी डाइस वाला आप एक्सपैरिमेंट किया, मैं कहता कि थोड़ा नंबर चार तो वध है। हुण चार तो वध कहड़ा नंबर है? पांच है ते छे है। एक ईवेंट है। इस तरीके मैं कहा कि दोनों हैड ऑन तो एक ईवेंट है। तो थोड़िया आउटकम्स के विचों एक खास कंडीशन के नाल जो असं गल करिए तो वह की बन जाता है? एक ईवेंट बन जाता है। उस ईवेंट के कुछ टाइप्स ने, वह टाइप्स केड़ियां ने? एक तो टाइप है कि इक्वली लाइकली ईवेंट्स। हुण इक्वली लाइकली ईवेंट्स केड़े हुंदे ने? इक्वली लाइकली ईवेंट्स इक्वली लाइकली ईवेंट्स वह ईवेंट्स हुंदे ने बेटा जिन्हां विचों मान लो दो ईवेंट ने, कोई तीन ने चार ने, किसी एक नूं असीं प्रैफरेंस ना दे सकीए। देयर इज नो रीजन टू प्रीफर या प्रैफर वन ईवेंट ऑन द अदर। इहदा कोई रीजन नहीं होगा कि एक ईवेंट नूं असीं दूजे उत्ते प्रैफरेंस दे सकीए, उहनूं पहल दे सकीए। कहण दा भाव की है, मैं एक एग्जाम्पल नाल गल करांगा कि जदों एक डाई सिटी दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਈਵੈਂਟ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਨੇ। 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 3 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 4 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 5 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 6 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 4 ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਾਂ 5 ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਾਂ 6 ਹੀ ਆਊਗਾ, ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ वह है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो किसी भी ट्रायल दे विच, किसी भी एक्सपेरिमेंट दे विच टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स ने वह एग्जॉस्टिव इवेंट्स ने। फॉर एग्जाम्पल मैं डाई सिटी का 6, ताश के विचों पत्ता कढ़िया तो 52, सिक्का उछाले तो 2, 2 सिक्के उछाले तो 4, 3 सिक्के उछाले तो 8 ईवेंट्स की होंगे एग्जॉस्टिव होंगे। ऐसे तरीके होता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन्हों डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं।
या इनकंपैटिबल इवेंट भी कहने हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पहला इन्हें मैं डेफिनेशन दे देना, टू और मोर इवेंट्स सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन ए ट्रायल, एक ट्रायल दे विच इकट्ठे ना हो सकन। मान लो मैं एक सिक्का छालिया, या हेड आओ या टेल आओ, हेड ते टेल इकट्ठे नहीं आ सकते, हेड ते टेल आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसे तरीके मैं कहा के व्हेन अ डाइस इज थ्रोन तां जे 6-6 फेस ने ए आपस दे विच की ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ने, एनो इनकंपैटिबल आप इवेंट्स भी कह देते हैं। फिर दोबारा क्या फेवरेबल इवेंट्स, हम देखो ओ इवेंट जेड साडी फेवर कर लो। मैं एक डाई सिटी, डाई के आउटकम्स नाल आपा ए सैंपल स्पेस बना लिया। इस सैंपल स्पेस दे विच जे मैं कहा के ओ चीज दी प्रोबेबिलिटी असी पता करनी है जदों एक इवन नंबर आए, हुण इवन नंबर केड़ा 2, 4, 6, हुण जिहड़ा 2 है ये भी साडी फेवर कर रहा है क्योंकि साडे पक्ष च भुगत रहा है। क्यों भुगत रहा है? जिहड़ी चीज असी पता करना चाहुंदे आ उहदे हक च है। 4 भी साडी फेवर कर रहा है, 6 भी साडी फेवर कर रहा है, 1, 3, and 5 साडी फेवर नहीं करदे, 2, 4, 6 आर फेवरेबल इवेंट्स। एंड उस तो बाद है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। हम इस ध्यान समझना, तुम मान लो मैं एक ताश ली, ओदे विच एक पत्ता खिंचिया, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आप पता करते हैं, मान लो भी लाल रंग का पत्ता आ गया, वह पत्ता वापस फिर पाता, दोबारा फिर वह पत्ता वापस खिंचिया, दूजी बार पत्ते की आने की जी प्रोबेबिलिटी है वह पहली बार वाले नाल कोई लेन देन नहीं है। किवें? मैं 52 पत्तियां दे विचों एक पत्ता ले लिया, हुण इह इन्हां 52 दे विचों कोई भी हो सकता है, इहदी प्रॉबर्टी इन्हां 52 ते ही डिपेंड करती है। यह पत्ता हुण मैं वापस पाता, फिर 52 हो गए, 52 चों फिर एक पत्ता आपां वापस ले लिया, तां इहदी प्रॉबर्टी इह ते डिपेंड नहीं करती क्योंकि इहदा वापस ही चला गया। इहदों उल्ट मैं उदाहरण लैणा, 52 पत्ता लिया, मैं एक पत्ता कढ लिया, मान लो वह किंग आ गया क्लब का, हुण जो किंग आ गया वो तो अगला जो पत्ता कढांगे हुण वह 52 चो नहीं निकलूगा, कि निकलूगा 51 दे विचों, 51 दे विचों निकलूगा। इट मीनस इस पत्ते की प्रॉबिलिटी आ पत्ते ने डिपेंड कर दे कि आ पत्ता की निकलिया सी, क्योंकि हुण किंग किन्ने रह गए, 3 रह गए, पहला किंग किन्ने सी 4 सी, तो आ जो दूजे पत्ते की प्रॉबिलिटी पहले किंग कर दी डिपेंड करती है। तो इस केस तक ये इंडिपेंडेंट इवेंट से दोनों, इस केस जिहड़ा दूजा इवेंट है वह पहले ते की करता है डिपेंड करता है। इस तरीके डिपेंडेंट ते इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। हुण उस तो अगली गल, आपां प्रोबेबिलिटी बारे पढ़िया सी, जिहड़ी प्रोबेबिलिटी अप्रोच है वह की कहती है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी है जो ओ 0 to 1 दे विच कर लाई करती है, अर्थात आप प्लस वन दे विच पढ़ा, एक टेंथ दे विच भी पढ़ा सी, कोई इम्पॉसिबल इवेंट है जदों ओदी प्रोबेबिलिटी 0 होंदी है, कोई श्योर इवेंट है जदों ओदी प्रोबेबिलिटी 1 होंदी है, अते कदे भी प्रोबेबिलिटी 1 तो वड्डी नहीं होंदी, 0 तो छोटी नहीं होंदी। इह सी अपनी एक गल। दूजी गल है कि प्रॉबर्टी कढ़ते किवें सी, मान लो कि ईवेंट ए है उसकी असी प्रॉबर्टी कढ़नी है, असी कढ़ते किवें सी, आपां कढ़दे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कह रहे या नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कह दो, क्योंकि एग्जॉस्टिव केसेस भी आपने पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ केस ही होते हैं। जहां इसमें से इस तरीके लिखते हैं एन ए ए जो इवेंट है उसकी फेवर करते केसों की गिनती बटा एन एस सेंटर स्टेज जिन्हें केस पे ने इवेंट पे ने उन्होंने गिनती। जहां इसमें से लिखते हैं एम बाय एन, एन की ना टोटल इवेंट एम द फेवरेबल इवेंट। असं यही पढ़ा सी मान लो ई एंड एफ ये दो डिसजॉइंट इवेंट ने। डिसजॉइंट की है कि ई अते एफ की इंटरसेक्शन खाली है फाई है, ता पी ई यूनियन एफ जिहड़ा हुंदा है वह हुंदा पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। असं ये भी पढ़िया सी जिहड़ा खाली इवेंट हुंदा है उहदी प्रोबेबिलिटी हुंदी है जीरो हुंदी है। असं ये भी पढ़िया सी कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो जाता है इहदी प्रोबेबिलिटी वन हुंदी है। असं एक गल होर पढ़ी सी कि किसी ईवेंट ना होने की प्रॉबलिटी है जो पी नॉट ए वन माइनस पी ए, किसी ईवेंट की होने की प्रॉबलिटी वन दे माइनस कर दो तो ना होने की प्रॉबलिटी आ जाऊ। इट मीनस जो किसी ईवेंट के होने की प्रॉबलिटी प्लस उस ईवेंट ना होने की प्रॉबलिटी एड कर दिए तो दोहां का जोड़ एक होंदा है। असी होर की पढ़िया सी, असी ये भी पढ़िया सीगा कि odds in favor of event, ये कैसे करते हैं? इसका फार्मूला क्या है? ये बेसिकली होती क्या है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द फेलियर्स। किवें हुण फेवरेबल केस एन होंदे है, टोटल केस एन होंदे है, तो फेलियर यानी नॉन फेवरेबल जिहड़े हो गए एन चो एम घटा दो नॉन फेवरेबल रह गए, तो आवर दिन फेवर ऑफ एनी इवेंट की होंदा है उत्ते दा फेवरेबल नीचे नॉन फेवरेबल। ये तो किसी ईवेंट की फेवर के आवर्स किन्ने ने, किसी ईवेंट के अगेंस्ट ऑर्ड के ने ऑर्ड्स अगेंस्ट ऑफ एन ईवेंट। यह बिल्कुल उल्ट होंदा है, इहदे विच की होंदा नॉन फेवरेबल उत्ते फेवरेबल थले। सो आपां ये कुछ आपां प्लस वन दे विच आपां प्रोबेबिलिटी दे विच पढ़िया है, टेंथ दे विच प्रोबेबिलिटी दे विच भी आपां पढ़िया है। हुण आपां इस तों अगली गल करनी है, एक एग्जाम्पल नाल आपां अगे वधांगे। आप प्लस वन दे विच भी शायद एग्जाम्पल की हो, इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रेंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल बी it will contains 53 Tuesdays। देखो लीप ईयर रैंडम ही लिया, की चांस होगा कि उसमें 53 मंगलवार होंगे, अपने 366 दिन होंगे ने एक लीप ईयर के विच, इहदा मतलब 364 दिनों के 52 हफ्ते हो गए, आ 52 हफ्ते कंप्लीट हो गए, उपर रह गए 2 days। हुण इहदा 52 ट्यूजडे तो आ गए क्योंकि 52 वीक ने, 52 ट्यूजडे तो हो गए, मसला रह गया इन 2 दिनों का। यह 2 दिन केड़े-केड़े हो सकते हैं? पहला दिन संडे हो सकता है, दूजा दिन मंडे हो सकता है, पहला दिन मंडे हो सकता है, दूजा ट्यूजडे हो सकता है,
पहला ट्यूसडे हो सकता है, दूजा वेंसडे हो सकता है, पहला वेंसडे हो सकता है, दूजा थर्सडे हो सकता है, पहला थर्सडे हो सकता है, अगला फ्राइडे हो सकता है, पहला फ्राइडे हो सकता है, अगला सैटरडे हो सकता है, पहला सैटरडे हो सकता है, अगला संडे हो सकता है, संडे मंडे वाला आ गया। टोटल केस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एन है 7। ये जो अपनी फेवर किन्ने कर देने भी जो ट्यूसडे होगा एक दिन बच्चों, क्योंकि जो एक दिन ट्यूसडे आ गया दोनों बच्चों का 53 ट्यूसडे हो जाएंगे अपने को। फेवर कर दे केस ने अपने को दो, प्रॉबिलिटी क्या हो जाओ अपनी 2/7 एम बाय एन। यहो केस आप पढ़े हुए ने। आप अगली गल करनी है, अगली गल है कंडीशनल प्रॉबिलिटी की, कि कंडीशनल प्रॉबिलिटी होंगी की है। हम आप कंडीशनल प्रॉबिलिटी की गल करते हैं, पहले हम लिखते कि मान लो एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, इसमें लिखते हैं पी ए अपॉन बी। हूँ इस पढ़ते कि पढ़ते हैं प्रॉबर्टी ऑफ ए वैन बी इज ऑलरेडी अकोर्ड। हम ए मतलब की है, यदा मतलब यह है कि ए की प्रॉबर्टी की होगी जो सू पता है कि बी तो हो गया, जो सू पता है बी तो हो गया। उदाहरण दे ले, मैं एक सिक्का उछालिया, सिक्का नहीं, मैं एक डाई सिटिया, मैनू यह पता है कि नंबर 3 तो वड्डा है, मैनू यह पता है कि नंबर 3 तो वड्डा है, नंबर इज ग्रेटर दैन 3। मतलब बीच केड़े इवेंट आ गए 4 5 6। व्हाट इज द प्रॉबर्टी, की प्रॉबर्टी होगी कि जेड़ा नंबर है वो ईवन है, नंबर इज ईवन। हम इन पढ़ा कि नहीं, आप इस पढ़ा पी ए अपॉन बी। बी की है कि आप पता है कि नंबर की तो वड्डा है, 3 तो वड्डा है, तो किन्ने केस हो गए? टोटल 3 केस हो गए। आही 3 केस बचारा के, पहले 3 केस आप छड़ देंगे क्योंकि यह तो हो ही गया। हूँ इन्हों ईवन के आ दो नंबर ईवन है 4 and 6, यदि प्रॉबिलिटी क्या 2/3। इसमें कहते हैं कंडीशनल प्रॉबिलिटी, कि एक कंडीशन असं लगाती, की कंडीशन लगाती कि बी तो हो गया, ए होगी प्रॉबिलिटी की होगी। तो इन कढ़ने का तरीका की है, पी ए अपॉन बी जैसे कढ़ना हो गई तो इसका तरीका की है, उस तरीके को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स फेवरेबल टू बी विच आर आल्सो फेवरेबल टू ए। हम पहले उपरली गल समझो, वो इवेंट जेडे बी दे भी फेवरेबल हो ते ए दे भी हो, मतलब ए ते बी दे सांझे फेवरेबल इवेंट। थले नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू बी, इसका अर्थ की है कि उत्ते तो वह इवेंट जो ए च भी हो बी च भी हो, ए इंटरसैक्शन बी दे इवेंट। थले कहे इवेंट, वह इवेंट जेडे कले बी दे, ठीक है। इसका अगे जाके फार्मूला तुम प्रूव कर सकते हो कि इनू इस तरीके भी लिख सकते हो, पी ए इंटरसैक्शन बी पी बी, एदा भी निकल जू। किवें होगा आप बाद च गल करते हैं, पहला आप एग्जाम्पल से आ जाने। एक इवेंट है जिसका सेंटर स्पेस है डाई सिटन का 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट बी है जिसका 3 तो बड़ा नंबर है 4 5 6। हूँ ही आप एग्जाम्पल पढ़ी है। एक इवेंट ए है, ए दे विच कहिंदे ईवन नंबर ने, ईवन कहिंदे कहिंदे ने 2 4 6। ए इंटरसैक्शन बी च कहिंदे होंगे 4 ते 6 होंगे। हुण असी पी ए अपॉन बी करना है, मतलब बी हो गया नंबर 3 तो वड्डा आ गया, ईवन आउन दी प्रोबेबिलिटी की होगी।
ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਐਨ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਥੱਲੇ ਅਪਾਨ ਇਵੈਂਟਸ ਆਫ ਬੀ ਬੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਦੋ ਵਟਾ ਤਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਟੂ ਬਾਈ ਥ੍ਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस यही होगी ए इंटरसेक्शन बी के इवेंट ने ते सैंपल स्पेस के इवेंट ने सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की होगी एन इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस यही होगी जे इनू भी एन एस नाल डिवाइड कर दी ए इनू भी एन एस नाल डिवाइड कर दी कोई फर्क तो नहीं पैंदा जब इनू डिवाइड किया ए बन गया पी ए इंटरसेक्शन बी जब एनू डिवाइड किया ए बन गया पी बी तो प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन बी इस तरीके भी कढ़ी जा सकती है ए इंटरसैक्शन बी की प्रॉबर्टी अपॉन बी की प्रॉबर्टी इतों ही साड़ी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बनती है इतों साड़ी की बनती है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की कहती है कि पी बी ए मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटरसैक्शन बी की जी प्रॉबर्टी है वह होंगी है पी ए अपॉन बी इंटू पी बी इस उल्ट भी कह सकते हैं कि पी ए इंटरसैक्शन बी की प्रॉपर्टी आप इदा नहीं कर सकते पी बी अपॉन ए इंटू पी ए जो थले बटा जो ऑलरेडी हैपन है उस की प्रॉपर्टी ना गुणा कर दो पी ए इंटरसैक्शन बी आ जूगी ए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हूँ इस तू अगली गल आप दो गल सीख ली पहली गल मान लो कोई इवेंट ई की प्रॉबर्टी कड़नी है जो एफ ऑलरेडी हैपनड है उत्ते दोहां दी इंटरसैक्शन की प्रॉबर्टी थले हेठले ईवेंट की प्रॉबर्टी ये सीधा जिहा फार्मूला है इस तों अगली गल किसी भी कंडीशनल प्रॉबर्टी वाली जो टर्म है वह भी जीरो तो वन के विच विच की करूगी लाई करूँ जिवें किसी होर चीज की प्रॉबर्टी लाई करती है इस तों अगली गल प्रॉबर्टी ऑफ एस अपॉन बी और प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन बी इन ध्यान समझो बी हो गया सैंपल स्पेस होने की प्रॉपर्टी की होगी सैंपल स्पेस प्रॉपर्टी हमेशा बनी रहती है बी हो गया बी होने की प्रॉपर्टी की होगी ये तो वही चीज दोबारा कर रहा था ए प्रॉपर्टी इवेंट की वन होगी यहोजी श्योर प्रॉपर्टी अभी कह दें श्योर ईवेंट्स ने कंडीशनल प्रॉपर्टी के इस तो अगली गल जिवें एक एडिशन लॉ थी प्रॉबर्टी का वह भी आप याद कर लें कि प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी जो डिसजॉइंट है फिर तो आपको पता है ए यूनियन बी सॉरी जो डिसजॉइंट है फिर तो पी ए प्लस पी बी सिंपल है जो डिसजॉइंट नहीं तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी पहली गल उस तो अगली गल आप होर जो पढ़िया सीगा कि मान लो प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है वो होंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी ये पढ़िया हुआ प्लस वन के पी बी इंटरसैक्शन सी पी सी इंटरसैक्शन ए प्लस पी ए इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन सी ठीक है जी ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਅਪੋਨ ਐਫ ਤਿੰਨ ਈਵੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਏ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਫ ਹੈ ਐਫ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਪਨਡ ਹੈ ਐਫ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਵਰਡ ਹੈ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਪੀ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਅਪੋਨ ਐਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀ ਏ ਅਪੋਨ ਐਫ फिर पी बी अपॉन एफ एंड देन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ इस तरीके प्रॉबर्टी ऑफ नॉट ए वेन बी ऑलरेडी अकॉर्ड बी हो गया ए ना होने की प्रॉबर्टी तो वन माइनस पी ए अपॉन बी उ पुरानी गल् ने हुण आपां अगे वधदे हां कि जदों इवेंट डिसजॉइंट होण
जो इवेंट जो डिसजॉइंट हो तो आ इंटरसेक्शन विचों घटाने की लोड़ नहीं है। एग्जाम्पल दसदे एग्जाम्पल तो तुम्हें कंडीशनल प्रॉपर्टी की जी गल है वो चंगी तरह समझ आ जूगी। एक एग्जाम्पल है कहते पी ए है जरा वह 6/11 है, पी बी है जरा 5/11 है, पी ए यूनियन बी है जरा 7/11 है। देन फाइंड पी ए अपॉन बी। देखो एक गल क्लीयर है कि आपको पहला पी ए इंटरसैक्शन बी चाहिए है, आपको पता है कि पी ए यूनियन बी जो होंगे वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी आही होंगे। ए यूनियन बी 7/11 है, ए 6/11 है, ए 5/11 है। 7/11 माइनस 1 हो गया, 6 + 5 = 11/11 इज इक्वल टू माइनस पी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की आ गया 1 - 7/11 क्योंकि नेगेटिव साइन जो हटावे 1 पॉजिटिव हो जाए 7/11 नेगेटिव हो जाएगा, यह आ जाए 4/11। पी ए इंटरसेक्शन 4/11 आ गया, आपको चाहिए पी ए अपॉन बी, इट विल बी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी आप नहीं कटे 4/11 अपॉन देन पी बी, पी बी है 5/11, 11 और 11 कैंसल, 4/5 की आ गई थोड़ा आंसर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इफ पी ए अपॉन बी इज 0.8, पी ए अपॉन बी अपन गिवन है कितना गिवन है 0.8 गिवन है, पी बी अपॉन ए भी गिवन है वो कितना गिवन है 0.6 गिवन है, एंड पी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है वो है अपने को 0.7। फाइंड पी ए यूनियन बी आप पता कर ए की है। हम ध्यान ना देखो बेटा इसको असं कि लिख सकते हैं, ए यूनियन की सामने कर दो इंटरसैक्शन कंप्लीमेंट बाहर कर दो, तुम पढ़िया होगा ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट कहें ए इंटरसैक्शन बी कंप्लीमेंट सेट थ्योरी पढ़िया हुआ है। हूँ यह बन गया, यह कहना बन गया 0.7। हूँ यह कंप्लीमेंट यानी नॉट कंप्लीमेंट का मतलब ए नहीं है का। ए होम की प्रॉबर्टी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉबर्टी क्या होगी 1 - 0.7 की आ गया 0.3 आ गया। उदो बाद आपको पता है कि पी ए अपॉन बी की होंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। हम अपन को पी अपॉन बी है 0.8, पी ए इंटरसेक्शन बी है अपने को आप हमने कटा 0.3 अपॉन पी बी। एड पी बी की वैल्यू कट सकते हो सिमिलर पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसैक्शन बी अपॉन पी ए, पी ए की वैल्यू कट सकते हो, थोड़े को पी ए है थोड़े को पी ए कट लिया पी बी भी कट लिया पी ए इंटरसैक्शन बी भी कट लिया। इन्हों तिना की वरतों करके तुसी पी ए यूनिट बी कट सकते हो कि पी ए प्लस बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी विल बी इक्वल टू पी ए यूनिट बी। अगली एग्जाम्पल आप देखने हैं, अगली एग्जाम्पल की कहती है बेटा कि अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल टूगैदर, फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑबटेनिंग द सम ऑफ 8। देखो एक ब्लैक डाई है एक रेड डाई है, दोनों कट्ठे सिटे गए आते उन्होंने कंडीशनल प्रॉपर्टी असं पता करनी है कि सम की आज 8 आ जाए जोड़ 8 आ जाए, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लैस दैन 4। ध्यान समझो दो डाइज ने
पहली है रेड, फिर सेकंड वन है ब्लैक, रेड सीटांगे फिर ब्लैक सीटांगे दोनों इकट्ठे सीटांगे जेडे साडे इवेंट बनगे किहो जे बनगे, वन 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 टू क्योंकि रेड ते बना गया ब्लैक ते बना गया, वन टू वन थ्री वन सिक्स, फिर टू वन टू 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 सिक्स, ऐदा सिक्स वन सिक्स टू सिक्स सिक्स, एहो जे इवेंट आउंगे। कहते की है, कहते यह है कि बेटा प्रोबेबिलिटी पता करो कि आप इवेंट ही मान लिया कि सम इज एट, सम की है दोनों का आठ है, इवेंट बी जो गिवन है आप मान लिया कि रेड डाई पे नंबर इज लैस दैन फोर ऑन रेड डाई। हम ध्यान ना देखो ए की होगा बी की होगा, ए दे बीच केड़े केड़े इवेंट होंगे, टू सिक्स आ जाएंगे सम एट बन जूगा, थ्री फाइव आ जूगा, फोर फोर आ जूगा, फाइव थ्री आ जूगा, फिर सिक्स टू आ जूगा, एट सम इतने बनूगा। बीच की है रेड टाइप के नंबर, रेड टाइप दूसरे नंबर से सीटी गई है, पहले से ब्लैक सीटी गई है, रेड टाइप के नंबर लैस दैन फोर, नंबर इज लैस दैन फोर, यानी कहो जी इवेंट आएंगे वन 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 टू वन थ्री, इतों अगले नहीं आऊंगे, वन फोर वन फाइव वन सिक्स नहीं आऊंगे क्योंकि रेड टाइप के नंबर है चार तो घट रहा है, फिर टू वन टू 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 थ्री, सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री, आप बीच इवेंट ने आप प्रोबेबिलिटी कढ़नी है कि नंबर अठ आवे, ये प्रोबेबिलिटी कढ़नी है जब ये सानू पता है कि रेड डाई है तो नंबर लैस दैन फोर है, यानी बी जो इवेंट है वह हो गया, ए की प्रोबेबिलिटी कढ़नी है, ये सानू पहला ए इंटरसैक्शन बी चाहिए। हुण ए इंटरसैक्शन बीच केड़े केड़े इवेंट आ जाएंगे, देखो टू सिक्स नहीं आऊगा, थ्री फाइव नहीं आऊगा, फोर फोर नहीं आऊगा, कि फाइव थ्री आऊगा, एक सिक्स टू आऊगा, ए इवेंट आ जाएंगे। हुण फाइव थ्री ते सिक्स टू ये दो इवेंट आ गए ए इंटरसैक्शन बी दे विच, ते बीच किन्ने इवेंट ने, बी च आप इवेंट गिन लो बेटा किन्ने ने, बी च इवेंट हो गए 18, किन्ने ने 18 क्योंकि हरेक के तीन इवेंट आ रहे, तीन ए तीन ए तीन, बी च 18 ने, तो प्रॉबर्टी की बन गई 2/18 जाए 1/9 किया गया आंसर आ गया। आप इस तो अगली एग्जाम्पल देखते हैं, अगली एग्जाम्पल की है कि अ 10 कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक कार्ड बनाए उन्होंने नंबरिंग की थी, एक तो लैके दस तक वो नंबरिंग करती एक बॉक्स के पाते पाते, हम मिक्स द थरोली एंड दैन वन कार्ड इन ड्रॉ रैंडमली, चंगी तरह ला लिया एक कार्ड कर लिया, इट इज नॉट दैट द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर दैन थ्री। देखो दो इवेंट बनते हैं ए एक बी, जिहड़ा बी होंदा वह इवेंट होंदा जिहड़ा गिवन होंदा है, गिवन की है कि जिहड़ा नंबर ड्रॉन कीता है वह मोर दैन थ्री है, यह सानू पता है, वट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ईवन नंबर, प्रोबेबिलिटी की पता करनी है कि वह ईवन नंबर होते, आप चीज पता करनी है ईवन नंबर हो गए, यही प्रोबेबिलिटी पता करनी है, जो गिवन है जो कार्ड कटे है वह तीन तो वध है। देखो एज केड़े केड़े इवेंट आ जाएंगे, ईवन नंबर केड़े केड़े होंगे, दो चार छे अठ दस, बीच केड़े केड़े इवेंट आ जाएंगे तीन तो वे, चार पांच छे सत अठ नौ दस, ए इंटरसैक्शन बीच केड़े केड़े आ जाएंगे, फोर सिक्स एट एंड टेन आ गए। आपको की होगा पहला ए इंटरसैक्शन बी,
अपॉन डी। ए इंटरसेक्शन बी के फोर इवेंट आ गए, बी के नहीं इवेंट आ गए सेवन आ गए, तो फोर बाय सेवन किया गया आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल हो, एक थोड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल ध्यान नाल समझनी है। एग्जाम्पल की कहती है, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। फाइंड द कंडीशन ऑफ प्रॉबर्टी फाइंड द कंडीशन ऑफ प्रॉबर्टी ऑफ द इवेंट दैट शोज ए नंबर ग्रेटर देन फोर गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल। हम कहना की है, एक सिक्का उछालिया, उहदे विच सिक्का उछालन ते जे तां आ गया हेड, जां हेड आउ जां टेल आउ, जे तां आ गया हेड तां दुबारा उछालो, तां हेड दे नाल हेड भी आ सकदा है, हेड दे नाल टेल भी आ सकदा है। जे आ गया टेल, जे आ गया टेल तां जिहड़े इक डाई सी तां टेल दे नाल वन आ सकदा है, टेल दे नाल टू आ सकदा है, टेल दे नाल थ्री आ सकदा है, टेल दे नाल फोर आ सकता है, फाइव एंड सिक्स आ पॉसिबल आउटकम्स ने इस एक्सपेरिमेंट में। कहना कंडीशनल प्रॉपर्टी पता करो कि नंबर है ना चार तो बड़ा होगा, चार तो बड़ा नंबर कितने कितने आ रहा है, इतने इतने आ रहा है। इट इज गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, घट्टो घट्ट एक टेल हैगी, हम घट्टो घट्ट टेल इन्हें छे के सैन भी एक टेल हैगी, इतने भी एक टेल हैगी है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ 1 ਬਾਈ 2 ਤੇ ਟੇਲ ਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ 1 ਬਾਈ 2, ਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 1 ਬਾਈ 2 ਤੇ 1 ਬਾਈ 2 ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਹੈਡ ਹੈਡ ਹੈ ਤੇ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਆ 1 ਬਾਈ 2 ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੇ, दो हिस्से करते आ भी 1 बाय 4 होगी, आ भी 1 बाय 4 होगी, तो हेड हेड की प्रॉपर्टी 1 बाय 4, हेड टेल की प्रॉपर्टी 1 बाय 4। पर जो आ 1 बाय 2 है इन्हें किन्ने हिस्से करते, 6 हिस्से करते, इट मीन प्रॉपर्टी ऑफ टेल 1, प्रॉपर्टी ऑफ टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। 1 by 2 दे 6 बराबर से कितने ना 6 से कितने कितने होंगे, 1 by 12, 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 1 by 12। ये बन गई प्रोबेबिलिटी टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 5, टेल 6 दी, ये प्रोबेबिलिटी बन गई। आपको हम कहते हैं कि एक इवेंट ए है जिसे हम प्रोबेबिलिटी कढ़ रहे हैं, एक इवेंट बी है जो गिवन है। प्रोबेबिलिटी कढ़नी है शो द नंबर greater than 4 and दूसरा केस है कि बी की है कि जो गिवन है एट लीस्ट वन टेल, हम आप बेटा ध्यान में देखो होना की है प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन बी दे विच आपां नूं एक तां ए इंटरसैक्शन बी चाहिदा है, एक बी चाहिदा है। हुण ए इंटर
इंटरसेक्शन बी च की क्वेश्चन होगा भी एक टेल भी हो ते नंबर चार तो बड़ा भी होगी केड़े केस आ जाएंगे आ तीन केस आ जाए दो केस आ जाएंगे केड़े केड़े टेल फाइव एंड टेल सिक्स एक टेल भी है ते नंबर चार तो बड़ा भी है बी दे विच केड़े इवेंट आ जाएंगे बी दे विच घट्टो घट एक टेल हो तो इवेंट केड़े केड़े आएंगे एक हेड टेल आ जाऊगा बाकी आ सारे केस आ जाएंगे टेल वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव टेल सिक्स हम प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है जी ओ की होगी प्रॉबर्टी ऑफ बी की होगी ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉबर्टी आ भी 1 बाय 12 आ भी 1 बाय 12 है 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12 इज 2 बाय 12 1 बाय 6 प्रॉबर्टी ऑफ बी की होगी देखो आ तो नहीं जोड़ांगे सारे 1 बाय 12 को 6 बार जोड़ांगे 1 बाय 2 हो जाएगा हेड टेल की प्रॉपर्टी की 1 बाय 4 है 4 एलसीएम आ गया यह आ गया 3 बाय 4 आपको उत्ते चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यानी 1 बाय 6 नीचे चाहिए बी यानी 3 बाय 4 1 बाय 6 4 बाय 3 3 2 तो 2 बाय 9 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा उम्मीद करदा कंडीशनल प्रॉबर्टी जिहड़ियां एग्जांपल्स ने तुहानूं सब समझ आईयां होणगीआं ते तुहानूं इह मेरा लैक्चर भी पसंद आया होगा तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।